Hey, what's up guys? कैसे हो सारे सारे? आई होप सही बढ़िया होंगे। सो फाइनली मेरी फॉर्मूला बिल्ड हो गई है, ऑलमोस्ट 90% इसको सिर्फ क्राउन करना रहता है, बाकी इसका सेट कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं इसके ऊपर एक डेडिकेट वीडियो लेके आऊंगा अबाउट द टीम्स। तो मैंने 5 टीम्स फाइंड आउट करी है जो बहुत ही अमेजिंग वर्क करती है इसके साथ, और आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपके पास यूनिट्स है तो, और अगर आप चाहो तो फ्यूचर में यूनिट्स पुल भी कर सकते हो। इतने दिन टेस्टिंग करने के बाद इस करेक्टर को लेकर मेरा क्या ओपिनियन है फॉर द F2 प्लेयर्स, मैं वो भी बताऊंगा। और ये करेक्टर की मैंने पूरी की पूरी टेस्टिंग C0 और विदाउट 5-स्टार वेपन करी है, तो ये प्रॉपर F2 बिल्ड है जो कि मेरे टीम्स में इस्तेमाल किया है। तो बिना किसी देरी के लेट्स जंप इनटू इट। तो सबसे पहले बात करते हैं बिफोर यू पुल फुरीना। तो ये कैरेक्टर काफी ज्यादा अमेजिंग है बिकॉज हर यूनिक प्ले स्टाइल। इसका हाइड्रो एप्लीकेशन इतना फास्ट नहीं है पर इतना स्लो भी नहीं है। बात करूं इसके बफ की तो इसका बफ काफी यूज है, बट 18 सेकंड्स के ड्यूरेशन की वजह से, और इसमें एक कंडीशन है HP इंक्रीज और डिक्रीज होने पे फैनफेयर पॉइंट्स बनते हैं स्टैक्स एक तरीके से, जो कि ये जनरेट करती है 18 सेकंड्स के ड्यूरेशन में, जिस वजह से आपके ऊपर एक प्रेशर होता है। जैसे आप इसकी अल्टीमेट यूज करते हो आपको इसके फैन फेयर पॉइंट्स लेने होते हैं, अदरवाइज आपका कोई फायदा नहीं है फरुना यूज करने का, क्योंकि देखा जाए तो मैक्सिमम जो इसकी वैल्यू है वो है इसकी अल्टीमेट की, और जो बफ देती है वो देती है टीम को, तो वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको ही प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए तो इस करेक्टर का कोई फायदा नहीं है। बात करते हैं इसके पर्सनल डैमेज की, तो इसका पर्सनल डैमेज कुछ खास नहीं है क्योंकि ये हाइपर कैरी करेक्टर नहीं है। अल्टीमेट में नो डैमेज, नॉर्मल अटैक्स में नो डैमेज, सिर्फ और सिर्फ डैमेज मिलता है स्किल में, बट वो डैमेज भी एक फिक्स डैमेज नहीं है, कंसिस्टेंट डैमेज नहीं है, बिकॉज वो डैमेज भी स्केल करता है करेक्टर्स की HP पे। HP कंज्यूम होगी तो ही डैमेज इंप्रूव होगा, HP कंज्यूम नहीं होगी तो डैमेज इंप्रूव नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसे एज अ DPS या ऑन फील्ड DPS रन करने की सोच रहे हैं तो ये बहुत ही बेकार आइडिया है। बात करूं इसके पर्सनल डैमेज की तो काफी बढ़िया है, ये रिएक्शन कर लेती है और वेव तो काफी अच्छा करती है। अब बात करते हैं बिल्ड वैल्यू की, तो बिल्ड करना बहुत ईजी है, F2B करेक्टर है तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं आपको, प्लस जो डोमेन है जिसमें आप अभी राइट नाउ फार्म कर रहे हो उसके आर्टिफैक्ट्स वो भी काफी अच्छा है और वो काफी बढ़िया है, फ्यूचर प्रूफ भी है। तो बिल्ड करने के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, F2B वेपन्स भी अवेलेबल है और सेट मिलना भी बहुत इजी है। बट अब बात करते हैं इसकी पुल वैल्यू की, तो पुल वैल्यू में मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बताना चाहूंगा कि ये अर्ली गेम वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है यूनिट, क्योंकि ये एक रिस्ट्रिक्शन देती है आपको और वो है हीलर का। आपको हीलर रन करना जरूरी है वरना आपके फैन फेयर पॉइंट्स बनेंगे नहीं, इवन आपका पर्सनल डैमेज भी लो हो जाएगा स्किल का। इसका पैसिव की जो हीलिंग है पर्सनल वो काफी ठीक है, मगर वो इतनी सॉलिड नहीं है जिससे आप कैरी हो सको, और अर्ली स्टेज वालों के पास कोई सॉलिड हीलर्स होते नहीं है, तो मेरे ख्याल से अर्ली स्टेज वालों को ये करेक्टर नहीं निकालना चाहिए, वो इसको पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। प्लस अर्ली स्टेज वालों के पास कोई DPS भी नहीं होता जिससे वो कैरी फॉरवर्ड हो सके, बट अगर आपने फाउंटेन के कुछ कैरेक्टर्स निकाले लाइक राइजली या फिर न्यूबलेट तो आप कंसीडर कर सकते हो फरुना को। बात करते हैं मिड गेम प्लेयर वालों की, जिनका AR 30 से लेकर 50 तक के बीच में है, वो निकाल सकते हैं अगर उनके पास ऑलरेडी DPS है और हीलर्स है तो। प्लस एक और बात मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप फ्यूचर करेक्टर पे इन्वेस्ट करोगे, बिकॉज आप एक मिड गेम प्लेयर हो तो आप तो नए प्लेयर ही हो ऑलमोस्ट, तो आपको फ्यूचर करेक्टर पे इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे आपको ज्यादा आउटकम मिलेगा, खासकर फाउंटेन के 5-स्टार हीलर। अब बात करता हूं एंड गेम प्लेयर्स की, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास भतेरे प्रीमो जेम्स है, भतेरी यूनिट्स है, उनको बेस कंप्लीट होता रहता है उनका, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक एंड गेम प्लेयर हो जो चाहे वो करो। मेरे को लगता है कि ये करेक्टर मस्ट पुल है नहीं राइट नाउ, इसका कोई मेटा अगर फ्यूचर में चलता है तो पता नहीं, कुछ भी चेंज हो सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में नहीदा का भी मेटा नहीं चला था, बाद में चला था, तो राइट नाउ मैं ये तो बोल सकता हूँ कि ये करेक्टर मस्ट पुल नहीं है और ये मेटा भी नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। अगर आपको कोई लिमिटेशन है आपके अकाउंट के अंदर तो आप इसे स्किप कर सकते हो, बाकी ये करेक्टर काफी अमेजिंग है और उनके लिए तो ये बिल्कुल ही वर्थ इट है जिनके पास सॉलिड हीलर्स है और जो इसके फैन फेयर पॉइंट्स इसका बफ जो है पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं बेस्ट 5 टीम कॉम्स जो कि मैं आपको रिकमेंड करता हूं। अगर कोई यूनिट की कमी है तो पुल कर लेना फ्यूचर में, और अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक टीम है जो कि काफी अच्छा परफॉर्म करती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। तो लेट्स जंप इनटू इट। तो पहली टीम जो मैं आपको रिकमेंड करता हूं वो है मोनो हाइड्रो टीम। ये टीम काफी अमेजिंग है, इसमें जीन काफी अच्छा परफॉर्म करती है, प्लस 3 हाइड्रो यूनिट काफी फ्लेक्सिबल है, आप चाहो तो कुछ भी यूज कर सकते हो लाइक गेलन, शिंचु, आयतो, कोकोमी। अगर आपके पास कोकोमी है तो कोकोमी के साथ आपको फिर जीन रन करने की जरूरत नहीं होगी, आप कजुआ रन करना तो आपको अच्छा आउटकम मिलेगा। एंड कोकोमी के साथ एक और अल्टरनेटिव टीम भी रन कर सकते हो आप, जिसका नाम है टेजर टीम विद फिशेल कजुआ। आप कोकोमी भी रन करोगे तो काफी अच्छा डैमेज देखने को मिलेगा। तो सिंपल एंड स्ट्रेट मोनो हाइड्रो टीम इज अमेजिंग, 3 हाइड्रो यूनिट विद 1 एनिमो यूनिट, और अगर हाइड्रो कोई हीलर है तो एनिमो कजुआ बहुत अच्छा है। बात करते हैं दूसरी टीम की और वो है वेप। आयतो के साथ ये टीम काफी अमेजिंग है, मैंने इस्तेमाल किया है और काफी अच्छा रिजल्ट मेरे को देखने को मिला है। अगर आप चाहो तो ये टीम रन कर सकते हो, अगर आपके पास आयतो नहीं है तो अगर आप चाहो तो इस टीम में शिंचु भी रन कर सकते हो, क्योंकि इस टीम में रोटेशन होती रहनी चाहिए ताकि बैनेट हर किसी को हील कर सके, तो रोटेशन और वेप रिएक्शन ही इस टीम में मैटर करता है, बाकी कुछ नहीं। तो शेंगलिंग बहुत ही जरूरी है अगर आपके पास C4 है या C6 है, क्योंकि शेंगलिंग काफी अच्छा पैरो अप्लाई करती है बैनेट के साथ, काफी अच्छा डैमेज भी देती है और काफी ईजी है वेप करने के लिए। इसी टीम में अगर आप चाहो तो एक एनिमो कैरेक्टर भी रन कर सकते हो शेंगलिंग की जगह, और उसका नाम है कजुआ। कजुआ काफी अच्छा है
इस्तेमाल हो सकता है यहाँ पे। और अगर तुम्हारे पास कजुआ नहीं है तो तुम इस्तेमाल कर सकते हो जीन। जीन और बैनेट का सनफायर वाला कॉम्बो विद आयतो एंड फुरुना इज रियली गुड। डबल हीलर होने की वजह से प्लस वीवी सेट होने की वजह से ये टीम काफी ज्यादा अमेजिंग भी है। इसमें आप मरोगे तो बिल्कुल भी नहीं और बफ आपको काफी कंसिस्टेंट मिलेगा। बाकी बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि फुरुना की टीम में जीन का बिल्ड क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट है, यूनिवर्सल है और बहुत इजी है। मैं एक बारी मैं समझा देता हूँ छोटी सी समरी। एनर्जी या अटैक वेपन आपको यूज करना है जीन के ऊपर, और जो आपको सेट रन करना है वो है वीवी सेट। यही सेट सबसे जरूरी है, यही सेट इस्तेमाल होगा। अगर आप अटैक वाला वेपन रन कर रहे हो अटैक परसेंट वाला, तो एनर्जी सेंट्स, एनिमल डैमेज गॉबलेट या तो अटैक गॉबलेट, एंड यहाँ पे हीलिंग बोनस या CRCD। टैलेंट में सिर्फ और सिर्फ अल्टीमेट को ही लेवल अप करना है, बाकी नॉर्मल अटैक्स और स्किल लेवल इतना फर्क नहीं पड़ता उसकी टीम में। एंड बात करूं एनर्जी की, तो मेक श्योर 200 प्लस एनर्जी होना चाहिए ताकि आप इजीली इसका अल्टीमेट यूज कर सको बार बार। तो यही बिल्ड है यूनिवर्सल फॉर फुरुना टीम कॉम्स। अब बात करते हैं तीसरी टीम की, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग है, मैंने इस्तेमाल करा है। जैसे कि तुम लोग जानते हो कि सब लोगों के पास आजकल तिग्नारी आ रहा है, लोग 50-50 हारते हैं तिग्नारी पे। अब आप हाइपर ब्लूम टीम रन कर सकते हो बिकॉज ऑफ द फुरुना तिग्नारी के साथ, आप ये रन कर सकते हो और काफी बढ़िया डैमेज देखने को मिलेगा। बस आपके पास एक करेक्टर होना चाहिए हीलर, बायजू है तो बायजू बहुत बढ़िया है, अदरवाइज आप यायो रन कर सकते हो। फरुना का जो बफ है वो हाइपर ब्लूम डैमेज तो इंप्रूव नहीं कर सकता, मगर वो पर्सनल डैमेज इंप्रूव कर सकता है, तो आप रन कर सकते हो। एंड रेडियंट शोगन फुल ईएम पे बिल्ड होगी और ये टीम काफी अनस्टॉपेबल है और काफी अमेजिंग है। इस टीम में बस एक प्रॉब्लम है, अगर आपको शील्डर चाहिए और हीलर चाहिए तो बायजू का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज यायो बहुत ही बढ़िया है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। बात करते हैं इसी रिएक्शन की एक अल्टरनेटिव टीम कॉम्ब, वो है एलएथम क्विक ब्लूम। अगर आप चाहो तो एलएथम को रन कर सकते हो तिग्नारी की जगह, फरुना काफी अच्छा बफ दे देगी। एंड नहीदा नहीं है तो कोई भी रन कर सकते हो आप, बायजू या फिर यायो। एंड कुकी इजिली काम कर सकते हैं क्योंकि एलएथम ही ऑन फील्ड पर रहेगा मैक्सिमम टाइम, और प्लस वो क्लोज कॉम्बैट डैमेज डीलर है तो इजिली वो ट्रिगर भी कर सकता है स्प्रेड रिएक्शन और हैवी ब्लूम रिएक्शन। अब बात करते हैं एक और सस्ती टीम की, तो मैंने ये टीम भी इस्तेमाल करी और ये टीम भी काफी अमेजिंग है। इसमें मेल्ट और वेव देखने को मिलता है काफी बढ़िया, बट अगर आप चाहो तो इसमें एक एनिमो करेक्टर भी डाल सकते हो अगर आप मल्टीपल एनिमीज के अगेंस्ट लड़ रहे हो तो। यहाँ पे कजुआ या फिर कोई वेंटी या सुक्रोज भी डाल सकते हो और काफी अमेजिंग काम कर सकती है, मगर ये पूरी की पूरी क्विक स्वैप की तरह काम करती है। यहाँ पे ऑन फील्ड कोई भी नहीं रहता, सिर्फ आपको रोटेशन करनी होती है। तो ये टीम काफी चीप है मगर ये काफी बढ़िया है उन लोगों के लिए जिनके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। अब बात करते हैं न्यूवलेट टीम की, तो डेफिनेटली ये टीम भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है फरुना आने के बाद। अगर आपके पास C1 है तो और भी अच्छी बात है, न्यूवलेट नहीं है तो आप रन कर सकते हो कुछ इस तरीके की टीम, एक एनिमो करेक्टर कजुआ और दिया भी रन कर सकते हो। न्यूवलेट की टीम में एक स्लॉट हमेशा फ्लेक्सिबल होता है, अगर आप कजुआ को हटा के नहीदा रखना चाहते हो आप नहीदा भी रन कर सकते हो, और इस यूनिट से भी आपको काफी अच्छा वेव डैमेज देखने को मिल जाएगा। बट स्टिल कजुआ काफी स्ट्रॉन्ग यूनिट है बिकॉज वो वीवी सेट रन कर सकता है और क्राउड कंट्रोल कर सकता है थोड़ा सा। इस टीम में हीलर रन करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि न्यूवलेट अकेला ही काफी है फैनफेयर पॉइंट जनरेट करने के लिए फरुना के, बट अगर आप चाहो तो रन कर सकते हो, इट्स अप टू यू। न्यूवलेट के साथ फरुना रन करने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, अगर C1 होता मेरे पास तो शायद ज्यादा फर्क पड़ता, बट C0 पे इतना फर्क नहीं पड़ा। स्टिल इसकी परफॉर्मेंस अभी भी फार मोर बेटर है, अगर आप फरुना यूज करो तो भी, ना यूज करो तो भी। फरुना के साथ आपको एक चीज एक्स्ट्रा मिलती है और वो है हाइड्रो रेजोनेंस, एंड उसके साथ साथ फरुना आपको डैमेज बोनस का बफ देती है, जिस वजह से आप इसके सिर्फ दो स्टैक्स भी जनरेट कर पाओगे या फिर वेव करते हो तो आपको काफी अच्छा सॉलिड डैमेज देखने को मिलता है न्यूवलेट की टीम में। तो ये टीम भी आप रन कर सकते हो। अब बात करते हैं एक बोनस टीम कॉम की और वो है साइनो क्विक ब्लूम। ये टीम काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है बिकॉज ऑफ द फरुना। मेरे पास बायजू नहीं है, बायजू ही सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा इस टीम में। आफ्टर रियलाइजिंग यायो मेरे को लगता है कि बायजू ही परफेक्टली इस टीम में काम कर सकते हैं और आप साइनो का डैमेज और इंप्रूव कर सकते हो, फिशल का डैमेज और इंप्रूव कर सकते हो विद द फरुना। This team is really amazing. Quick Bloom के साथ साथ आपको aggregate देखने को मिलेगा काफी solid. Syro काफी ज़्यादा improve हो चुका है because of the Furuna, क्योंकि इस Furuna का hydro application भी slow है, जो कि Syro को चाहिए होता है Quick Bloom करने के लिए। तो ये team भी काफी बढ़िया है, अगर आप चाहो तो ये भी run कर सकते हो। तो ये थी कुछ बेस्ट 5 टीम कॉम्स जो कि मैंने तुम लोगों को बता दिया है। अगर तुम्हारे पास भी कोई एक टीम कॉम है फरुना की जो कि काफी अच्छा काम करती है तो कमेंट डाउन बिलो ताकि बाकी लोगों की हेल्प हो सके। एंड आई होप ये वीडियो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी, और अगर मेरे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन और यू कैन कम टू माई लाइव स्ट्रीम। और मुझे मेरी यूट्यूब जर्नी में सपोर्ट करने के लिए मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि मैं ऐसे ही मोटिवेशन से और वीडियो बना सकूं और आप लोगों की हेल्प कर सकूं। मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर, लव यू एंड पीस।